Hello students, how are you all? Now it's time study to computer. Previous lecture we have to discuss lesson number 8, right? So today we are going to learn our lesson number 8, another topics. Let's start. The topic name is radio button control. ये radio button control क्या है? See, radio button allows the user to check only one option out of the number of choices display. इसके अंदर क्या है कि नंबर ऑफ हमें क्या मिलते हैं, नंबर ऑप्शंस मिलते हैं ना, कि हमें इसके अंदर टिक करना है, इसके अंदर टिक करना है, किसके अंदर टिक करना है. यस, रेड बटन इज आल्सो नोन एज ऑप्शंस बटन. लेट्स लर्न अबाउट सम कंपोनेंट्स ऑफ द रेडियो बटन कंट्रोल. कौन कौन से नेम, चेक्ड फॉन्ट, फोर कलर, एनेबल टेक्स्ट एंड विजिबल. ओके, ये सारे कौन कौन से, उनको क्या क्या यूज है. इट आइडेंटिफाई द लेबल वाइल राइटिंग द प्रोग्राम. आपको कोई नेम देना है, यस, राइटिंग प्रोग्राम के टाइम, तो उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो. सेकेंड है चेक्ड, इन आइडेंटिफाइज वैन एवर द रेडियो बटन इज चेक्ड और नॉट. वो चेक करता है कि रेडियो बटन है, वो आपने इसके अंदर चेक किया है कि नहीं किया है. यस, फॉन्ट, इट सेट द फॉन्ट, फॉन्ट साइज एक्सेट्रा फॉर द रेडियो बटन. फॉन्ट के अंदर हमें फॉन्ट की साइज सेट करना है. यस, फोर कलर, इट चेंजेस द फोरग्राउंड कलर ऑफ द रेडियो बटन. द कलर्स इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट. फोर कलर के अंदर क्या करना है कि चेंजेस फोरग्राउंड कलर रेडियो बटन के थ्रू हम उसके अंदर कर सकते हैं. नेक्स्ट है एनेबल्ड, द चेक वेदर द कंट्रोल इज एनेबल्ड और नॉट. एनेबल है, वो एनेबल है कि नहीं, वो आपको चेक करना है. टेक्स्ट, इट होल्ड the text wish to be display on the radio button. क्या है ये कि जो आपको रेडियो बटन के अंदर टेक्स्ट लिखना है तो वो भी डिस्प्ले हो सकता है. विजिबल, इट डिटरमाइंस whether the control is visible or hidden. यानी कि ये क्या है कि आपको ये जो भी कोई फाइल है उसको आपको हिडन रखनी है तो भी वो उसको भी फिर से विजिबल करना है तो भी कर सकते हो. यस, नेक्स्ट इज चेक बॉक्स कंट्रोल. चेक बॉक्स कंट्रोल डिस्प्ले चेक मार्क आफ्टर इट इज सिलेक्टेड. इट अलाउज द यूजर टू सिलेक्ट वन और मोर आइटम. चेक बॉक्स के अंदर क्या होता है कि हमें क्या करना है कि वो चेक है कि नहीं, चेक मार्क सिलेक्टेड वो क्या करते हैं, डिस्प्ले करता है. ओके, सी नेम, वो भी क्या है कि राइटिंग टाइम पे लेबल है वो डिस्प्ले करते हैं. चेक्ड, जो ऊपर का जो सारा यही है. ओके, नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड इन सिक्वेंटली वे. कंट्रोल स्टेटमेंट आर डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज, ब्रांचिंग एंड लूपिंग. उसके अंदर टू कैटेगरी है. यस, फर्स्ट इज ब्रांचिंग, सेकेंड इज लूपिंग. फर्स्ट ब्रांचिंग, ब्रांचिंग इज द ट्रांसफर ऑफ अ कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम. इट इज डन ऑन द basis of the decision taken using the conditional operations and logical operations. Let's learn about the different branching statement. Branching kya hai? Ki different hai program ke part ka. Yes? Usko decision leta hai ki wo conditional operation and logical operator hai ki nahi hai. Okay? Next, if then statement. If then statement is the simplest control structure that instructs to computer to perform a certain specified action. If the condition is true, when the condition is false, no action will be performed. इसके अंदर जो हमारी if then statement है, अगर वो true हुई तो वो आगे जाएगी, अगर वो false है तो वो हमारी वहाँ पे ही जो हमारी action है वो stop हो जाएगी. okay? तो ये हमारी if then statement है. okay? उनकी syntax क्या है? See, if condition then and statements in if. यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा और ये इफ इसके अंदर कंडीशन आएगी. ओके, एग्जांपल, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर नंबर दैट इज ग्रेटर देन 100, डिस्प्ले द मैसेज यू विन अ लकी प्राइज. अब आपको क्या करना है कि सी इफ द नंबर एंटर इज लेस देन और इक्वल टू 100, नो मैसेज विल बी डिस्प्ले. अभी इसके अंदर क्या करना है कि आपको दिया है कि नंबर ग्रेटर देन 100, फिर उनको कंडीशन क्या दी है कि अगर वो लेस देन और इक्वल टू 100 हुआ तो हम वो मैसेज है वो जनरेट नहीं होगा, डिस्प्ले नहीं होगा. सी यहाँ पे देखो,
क्रिएट अ फॉलोइंग इंटरफेस बाय एडिंग टेक्स्ट बॉक्स एंड बटन कंट्रोल. यहाँ पे एक बटन लिया है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक लिया है. ओके सी यहाँ पे प्रोग्राम है, देखो हाँ देखो प्रोग्राम के अंदर क्या है कि ये जो लाइन हमारी क्या बटन वन की एज इट इज आ जाएगी. सेकेंड इज डिम नंबर एज इंटीजर, वो भी एंड नंबर इज इक्वल टू टेक्स्ट बुक डॉट टेक्स्ट. इफ नंबर आया, इफ ये नंबर यानी कि ये कंडीशन हुई हमारी सिंटेक्स की, तो यहाँ पे क्या आएगा इफ नंबर यस क्या है ये लेस देन 100 देन मैसेज बुक यू विन अ लकी प्राइज. एंड इफ ये कंडीशन डाल दी हमने, इसे उनका आउटपुट कैसा आता है देखो यहाँ पे. ओके ऊपर क्या बोला था कि इफ द नंबर एंटर इज अ लेस देन और इक्वल टू ये आएगा तो हमारा मैसेज है वो डिस्प्ले नहीं होगा, अदरवाइज होगा. तो यहाँ पे देखो यू विन अ लकी प्राइज यस 1 2 3 ओके.